दहेज की मांग को लेकर सास ससुर ने बहू को घर से निकाला। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले की भौंती थाना क्षेत्र के उमरी कला गांव की रहने वाली उर्मिला कोहली ने आज एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसके ससुरालियों ने दहेज की मांग को लेकर उसे घर से बेदखल कर दिया था। उसे अपने बच्चों के साथ किराए का मकान लेकर रहना पड़ रहा है। इसी शिकायत को लेकर आज वह एसपी ऑफिस पहुंची है और कार्यवाही चाहती है। जानकारी के अनुसार उर्मिला पत्नी प्रमोद कोहली निवासी ग्राम उमरी कला थाना भाती ने बताया कि ससुर हरनाम सिंह व सास जानकी द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया। महिला ने बताया कि वह अब अपने बच्चों को लेकर कहां जाए। पीड़िता ने ससुरालियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है। उर्मिला कहाँ से आई हो आप? उमरी कला से। कौन से थाने में पड़ता है? बहुत ही। क्या समस्या लेके आई हो जाए? समस्या लेके आई के तुम्हारे हिस्सा नहीं दे रहे, घर से निकाल दे रहे। कौन नहीं दे रहा हिस्सा? सास ससुर। क्या कह रहा है सास ससुर? तेरे शादी में कोई दहेज वगैरह नहीं मिला, आज तेरे को देने नहीं दिया। तुम्हें कब निकाल दिए घर से? 3 दिन हो गए। जब से कहाँ रह रहे हो आप लोग? हमने कही समझ जाएंगे, जी भी नहीं समझे। फिर कहाँ रह रहे हैं आप लोग? बहुत ही रह रहे, दूसरे के कमरा में रह रहे। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में नहीं की थी क्या? करी थी, सुबह ने समझा दे थी। अरे बस सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। और एसपी साहब के जाए थी, क्या आश्वासन दिया आपको? सही बात है कि हम इसकी मदद करेंगे, कि हम ऐसे हिस्सा नहीं दे रहे, घर से निकालते रहे। बाप कैसे पैसा लिया, दहेज नहीं देते, बाप ने सोच लिया तो हिस्सा नहीं दे रहे, घर में नहीं रहने देंगे हम तो।